होलिका दहन की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि इस पूरे संसार में कोई भी जीव जंतु या देवी देवता उसे मार ना सके। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। वह चाहता था कि जिस तरह लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसकी पूजा भी उसी प्रकार की जाए। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान विष्णु की आराधना करते देख हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को कई सजाएं सुनाई जिससे वह प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रह्लाद को लेकर एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे छू भी नहीं सकती थी। जैसे ही आग जली भगवान विष्णु की कृपा से वह कपड़ा उड़कर प्रह्लाद के ऊपर आ गया। इस तरह से प्रह्लाद की जान बच गई और उस आग में होलिका जलकर राख हो गई। यही कारण है कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सारी बुराई अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर शुभकामनाएं देते हैं।